मैदान अरफात के अंदर हज का खुतबा दिया जाता है, रश ज्यादा होता है हज वाले दिनों में, मैदान अरफात के अंदर लाखों का मजमा होता है, इसीलिए नौ ज़िलहज को जो हाजी मैदान अरफात की हदूद से बाहर रह जाता है उसका हज कबूल नहीं होता, पैसे जो 10-15 लाख आता है वो ज़ाया हो जाते हैं। बात वाले सुने, नौ ज़िलहज को हज वाले दिन जो हाजी मैदान अरफात की हदूद से बाहर रह जाता है उसका हज कबूल नहीं होता, पैसे जो लगा कर आता है 10-15 लाख वो ज़ाया हो जाते हैं। इसीलिए हुकूमत ने पूरे मैदान अरफात के अंदर येलो कलर के पीले रंग के बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं जिनके ऊपर लिखा होगा बिदाया अरफात, वो निशानी के तौर पर लगाए गए निशानी के लिए ताकि हाजी में पता चल सके जाए हाजी में देखे सामने सीधे हाथों तरफ सामने वो पीले रंग का येलो कलर का बड़ा बोर्ड नजर आ रहा है इसे मन बिदाया अरफात या पूरे पीले रंग का येलो कलर का लाया हाजी मेरा बड़ा बोर्ड नजर आ रहा है इसे मन ये कि आगे पूरे मैदान अरफात में नजर आएंगे। ये किस लिए लगाए गए हैं? हाजियों की सहूलत के लिए लगाए गए हैं ताकि हाजी जो है वो मैदान अरफात के हदूद के अंदर रहे, जो हाजी क्योंकि लाखों का मजमा होता है हज वाले दिनों में, हाजियों को पता नहीं चलता कि अपने कहाँ पर जाना है कहाँ पर नहीं, मजमा बहुत ज्यादा होता है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए पीले रंग के येलो कलर के पूरे मैदान अरफात के अंदर बोर्ड लगाए हैं ताकि इसकी हदूद के अंदर रहे, जो बाहर रह गया उसका हाजी कबूल नहीं होगा, इसलिए लगाएंगे। आगे दाएं की तरफ देखते जाएंगे आपको येलो कलर के पीले रंग के बड़े बड़े बोर्ड नजर आते जाएंगे। ये जो मैदान है ये पूरा साल वीरान होता है, हज वाले दिनों में यहाँ पर पाँव रखने को जगह नहीं होती, इतना ज्यादा मजमा होता है, पूरा साल खाली होता है, हज वाले दिनों में यहाँ पर पाँव रखने को जगह नहीं होती, लाखों का मजमा होता है। इसके बाद मैदान अरफात के अंदर हमारी दो ज्यारते हैं, पहली ज्यारत है मस्जिद निमरा, पहली ज्यारत कौन सी थी? मस्जिद निमरा, वो मस्जिद जहाँ पर नौ ज़िलहज को हज का खुतबा दिया जाता है। देखिए येलो कलर के पीले रंग के बड़े बड़े बोर्ड गुजर हैं, और रश ज्यादा होने की वजह से नौ दिन हज को मस्जिद निमरा तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि लाखों का मजमा होता है, रश ज्यादा होने की वजह से नौ दिन हज को मस्जिद निमरा तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हाजियों की कोई हर हाजी की कोशिश होती है कि मैं मस्जिद के अंदर जाकर हज का खुतबा सुनूं, मगर नहीं, जो हाजी मस्जिद के करीब होते हैं 2.5 से 3 लाख हाजी जो है वो मस्जिद के अंदर खुतबा सुन सकते हैं, बाकी जो लाखों का मजमा होता है वो कहाँ पर जाता है? वो सारा का सारा मैदान अरफात के अंदर फैल जाता है, खैमे लगाए जाते हैं, वो खैमे भी आगे आगे मैं आपको दिखा दूंगा सभी को। तो इसके बाद नौ ज़िलहज को मस्जिद निमरा तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब आप खुशकिस्मत लोग हैं जो इस मस्जिद के करीब जाएंगे, वरना हाजियों की कोशिश होती है कि मस्जिद में जाकर हज का सुनेंगे। तो हाजी से बात जहाँ पर दो नमाजें मैदान अरफात के अंदर दो नमाजें ज़ोहर और असर दो कसर इकट्ठे अदा किए जाते हैं नौ ज़िलहज को, हज का खुतबा भी इमामे का यहाँ पर हज का खुतबा देते हैं मस्जिद निमरा के सेबान। ये देखो दूर से भी आपको नजर आ रहे हैं सामने मस्जिद निमरा के सेबान, 6 मीनार है मस्जिद निमरा के और 72 दरवाजे, कितने मीनार है जी? 6 मीनार है और 72 दरवाजे हैं, 2 मीनार मैदान अरफात के उससे बाहर हो गए, मैं आपको दिखा दूंगा। नौ दिन के यहाँ पर हज का खुतबा दिया जाता है, तो अगर मस्जिद के करीब जाएंगे तो सुबह यहाँ पर दिन की हज साहबान का वजू होगा, तो बरातों के अंदर यहाँ पर नफल भी अदा कर सकते हैं क्योंकि मस्जिद साल से देखने के लिए खोली जाती है, अभी शायद खोली हो मस्जिद इसलिए खोली क्योंकि यहाँ पर सऊदी लोग आए हुए हैं, उनके जो है वो टेस्ट पेपर हो रहा है उमरपुरा यूनिवर्सिटी के, यहाँ पर जो उमरपुरा यूनिवर्सिटी गुजरी थी उसके यहाँ पर पेपर हो रहे हैं, उनको यानी कि नौकरी दी जा रही है, इसी वजह से मस्जिद शायद खुली हो। वैसे बात नौ दिन की मस्जिद खोली जाती है, बाकी पूरा साज बंद रहती है क्योंकि सारा का सारा हज का मैदान है, हज की ज्यादा है, हज वाले दिनों में आप रश होता है, बाकी ये जगह खाली नजर आएगा आपको हर तरह से। तो इसके बाद लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की तरफ देखते हैं, अपने बाएं हाथ लेफ्ट हैंड की तरफ आगे वाले जो गुंबद वाले दो मीनार नजर आ रहे हैं सभी को, ऐसे बार गुंबद वाले दो मीनार नजर आ रहे हैं, ऐसे बार ये मैदान अरफात के दूर से बाहर है, पीछे वाले जो 4 मीनार है वो मैदान अरफात के दूर के अंदर है, पीले रंग का येलो कलर का बड़ा बोर्ड भी लगाया उन्होंने, आगे जैसे हम जाएंगे आप सभी को नजर भी आ जाएगा, दो मीनार जो गुंबद वाले आपको नजर आ रहे हैं, आगे वाली ये बाहर है मैदान अरफात के दूर से, पीछे वाले जो 4 मीनार है ये मैदान अरफात के हदूद के अंदर है। वैसे बन अब हम मैदान अरफात के हदूद के अंदर दाखिल हो जाएंगे, यहाँ से गाड़ी मस्जिद निमरा की तरफ जाएंगे, मस्जिद निमरा।